प्यारे बच्चों नमस्कार और एक बार आपका पुनः स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राणा सर क्लासेस में आज मैं पॉलिटिकल साइंस अंतर्राष्ट्रीय कानून का जो पेपर हुआ था उसको सॉल्व करके आपको बताऊंगा उससे पूर्व आपको सूचना देनी है कि इस पर मैंने तीन वीडियो पिछले तीन दिनों में बनाए थे वहाँ से चालीस में से तेईस क्वेश्चन आए थे आप वहाँ से भी इनको चेक कर सकते हैं तो चलिए आज का वीडियो प्रारंभ करते हैं पेपर को सॉल्व करते हैं जो आज का पहला क्वेश्चन था वो था अंतर्राष्ट्रीय कानून सच्चा कानून नहीं है परंतु यह केवल नैतिक शक्ति पर आधारित नियमों का एक समूह है यह कथन किसका है चार ऑप्शन आपके पास आए थे हॉलैंड ऑस्टिन वाटल और स्टार्क तो जो पहला प्रश्न है ये ऑस्टिन का कथन है इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा दूसरा प्रश्न आपके पास था यह परिभाषा किसने दी अंतरराष्ट्रीय विधि उन विधियों का समूह है जिससे राज्यों के पारस्परिक संबंधों का निर्धारण होता है तो मैंने इसे पिछले वीडियो में भी बताया था इसका जो सही उत्तर है वह है कैल्सन महोदय यानी कि ऑप्शन नंबर ए उसके पश्चात तीसरा प्रश्न आपके पास था निम्न में से अंतरराष्ट्रीय कानून का तत्व कौन सा है चार दिए थे सार्वभौमिक पद्धति एक कानूनी पद्धति कानून का पालन करने की शक्ति और उपरोक्त सभी तो मैंने आपको पिछले वीडियोस में भी बताया था जब इस प्रकार के प्रश्न आए तो बहुत संभावनाएँ होती है कि उपरोक्त सभी उत्तर हो और आज के प्रश्न पत्र में भी ऐसे बहुत से क्वेश्चन थे जिनका उत्तर उपरोक्त सभी था लगभग एक दो क्वेश्चन को छोड़कर बाकी आठ दस बारह क्वेश्चन ऐसे थे जिनमें कि उपरोक्त सभी उत्तर होना था तो इसका भी ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी सही उत्तर था अगला प्रश्न आपके पास था निम्न में से अंतर्राष्ट्रीय कानून का स्रोत नहीं है अंतर्राष्ट्रीय संधियां, रीति रिवाज प्रथाएं अंतर्राष्ट्रीय नियम और राज्य पत्र और उपरोक्त सभी तो जो इसका उत्तर था ऑप्शन नंबर सी था नेक्स्ट प्रश्न आपके पास था कौन सा कानून अंतर्राष्ट्रीय कानून की विषय वस्तु नहीं है शांति का कानून युद्ध का कानून का कानून और उपरोक्त सभी यह प्रश्न भी मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था इसका ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी सही उत्तर था नेक्स्ट प्रश्न आपके पास था निम्न में से कौन सा विधि शास्त्री कानून को कानून की श्रेणी में नहीं रखता कानून के स्थान पर इंग्लिश में सही लिखा हुआ है इंटरनेशनल लॉ यानी कि अंतर्राष्ट्रीय कानून को कानून की श्रेणी में नहीं रखता है तो इसका जो सही उत्तर था वो था ऑप्शन नंबर बी ओपन हीम और यह प्रश्न भी मैं आपको पहले बता चुका था नेक्स्ट प्रश्न आपके पास था अंतर्राष्ट्रीय कानून वश है यह कथन किसका है चार ऑप्शन थे हॉलैंड कैल्सन स्टार्क और उपरोक्त में से कोई नहीं तो जो ये सातवां प्रश्न था इसका उत्तर था हॉलैंड यानी कि ऑप्शन नंबर ई नेक्स्ट प्रश्न आपके पास था अंतर्राष्ट्रीय कानून शब्द को सबसे पहले किसने प्रयुक्त किया था तो इसका सही उत्तर था ऑप्शन नंबर ए बेंथम। अगला प्रश्न आपके पास था अंतरराष्ट्रीय कानून का विषय है केवल राज्य केवल व्यक्ति कुछ गैर राजकीय इकाइयां उपरोक्त सभी तो अंतरराष्ट्रीय कानून में तीनों ही विचारधाराएं हमको देखने को मिलती है तो इस प्रकार इसका सही उत्तर था ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी नेक्स्ट प्रश्न आपके पास था निम्न में से कौन सी अंतरराष्ट्रीय संस्था है आई एल यूनेस्को और उपरोक्त सभी तो इसका भी सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी था नेक्स्ट प्रश्न आपके पास था केवल राज्य ही अंतरराष्ट्रीय कानून का विषय है इस सिद्धांत का समर्थक कौन है तो इसका जो सही उत्तर था वो था ओपन हीम अगला प्रश्न आपके पास था बाह्य आश्रय कितने प्रकार के होते हैं तो इसका जो सही उत्तर था वो था ऑप्शन नंबर सी पांच उसके पश्चात अगला प्रश्न आपके पास था हाइडिला टोरे कहाँ का निवासी था तो यह पेरू का निवासी था इस प्रकार इसका जो ऑप्शन नंबर सी था वो सही उत्तर था नेक्स्ट प्रश्न आपके पास था दलाई लामा को भारत में शरण कब दी गई वर्ष 1900 सठ में इस प्रकार इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी था नेक्स्ट प्रश्न आपके पास था किस देश ने प्रत्यर्पण के संबंध में सर्वप्रथम कानून बनाया तो जो इसका सही उत्तर था वो था बेल्जियम और दस से लेकर पंद्रह तक जितने भी क्वेश्चन है मैं ये पिछले वीडियोस में बता चुका हूं तो इसका भी ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर था नेक्स्ट प्रश्न आपके पास था प्रत्यर्पण की आवश्यकता है चार ऑप्शन आपके पास थे आतंकवादियों को दंडित करने के लिए अपराधों की रोकथाम के लिए साक्ष्यों की का सुविधा से उपलब्ध होना तो इसका भी सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी था डी था इस पर अगला प्रश्न आपके पास था भारत में प्रत्यर्पण के लिए नोडल प्राधिकारी कौन है विदेश मंत्रालय राजदूत मानव संसाधन मंत्रालय और उपरोक्त में से कोई नहीं तो इसका जो सही उत्तर है यह ऑप्शन नंबर ए संभावनाएं इसकी बहुत अधिक है नेक्स्ट प्रश्न आपके पास था निम्न में से किसका संबंध प्रत्यर्पण से था तो जो वीर सावरकर सुच्चा सिंह और धर्म तेजा यह प्रश्न भी मैं पहले बता चुका था फिर भी बत, काफी बच्चे गलत करके आए हैं इसका भी ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी सही उत्तर था नेक्स्ट प्रश्न आपके पास था भारतीय प्रत्यर्पण अधिनियम उन्नीस के अंतर्गत प्रतिबंध किस धारा में है चार ऑप्शन थे धारा इकतीस ए इकतीस बी इकतीस सी और इसका भी जो सही उत्तर था वो था ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी नेक्स्ट प्रश्न आपके पास था निम्न में से कौन सा कारण राजनीतिक मिशन की समाप्ति के लिए उत्तरदायी है तो इसमें भी उपयुक्त सभी उत्तर था इस प्रकार ऑप्शन डी इसका सही उत्तर था नेक्स्ट प्रश्न था ओपन हिम ने वाणिज्य दूतों के कितने प्रकार बताए हैं तो जो ओपन हीम हैं उन्होंने वाणिज्य दूतों के दो प्रकार बताए हैं इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर था नेक्स्ट प्रश्न था यह कथन किसका है राजदूत एक ऐसा ईमानदार व्यक्ति है जो कि अपने देश के स्वार्थ के लिए असत्य बोलने जाता है तो इसका जो सही उत्तर था वो था ऑप्शन नंबर सी यानी कि हेनरी वाटन नेक्स्ट प्रश्न आपके पास था में से किसका कथन है युद्ध अपराध सैनिकों तथा अन्य व्यक्तियों के ऐसे शत्रुतापूर्ण कार्य हैं जिन्हें करने वाले पकड़े जाने पर शत्रु द्वारा दंडित किए जाते हैं तो इसका जो सही उत्तर था वो था ऑप्शन नंबर ए ओपन हीम नेक्स्ट प्रश्न आपके पास था ओपन हीम ने युद्ध अपराध के कितने प्रकार बताए हैं तो ओपन हीम ने युद्ध अपराध के चार प्रकार बताए हैं इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर था नेक्स्ट प्रश्न युद्ध समाप्ति का तरीका है शांतिपूर्ण कार्यों को बंद कर देना अधीनता शांति संधि और इस प्रकार इसका भी उपरोक्त सभी डी ऑप्शन सही उत्तर था नेक्स्ट प्रश्न आपके पास था 26 जून 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ को चार्टर की स्वीकृति के बाद कानूनी व्यवस्था के रूप में तथस्थता का अंत हो चुका है यह कथन किसका था तो फैनविक महोदय का यह कथन था इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर था नेक्स्ट प्रश्न आपके पास था संयुक्त राष्ट्र संघ की कौन सी धारा तथस्थता को सीमित रखती है धारा दो धारा बयालीस और धारा अड़तालीस ये तीनों ही रखती है इस प्रकार उपयुक्त सभी ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर था नेक्स्ट प्रश्न 1780 में अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के समय रूस द्वारा घोषित सशस्त्र तटस्थता को किस देश से पालन को कहा गया चार ऑप्शन थे स्पेन ग्रेट ब्रिटेन फ्रांस और उपयुक्त सभी और इस प्रश्न का भी उत्तर उपयुक्त सभी था तो आप देख रहे होंगे कि उपयुक्त सभी उत्तर हमको देखने को बहुत अधिक मिल रहा है जिसकी कि मैंने संभावना आपको पहले भी बताई थी नेक्स्ट प्रश्न आपके पास था तथस्था की विशेषता है इसमें भी ऑप्शन नंबर डी यानी कि उपयुक्त सभी उत्तर होना था नेक्स्ट प्रश्न आपके पास है पेरिस की किस वर्ष की घोषणा का संबंध नाकाबंदी से है तो ये तीसवा प्रश्न था इसमें अठारह सौ पैंतालीस और उन्नीस चारों ही जवाब गलत हैं। इसका जो सही उत्तर होना था वो अट्ठारह होना था तो इसलिए ध्यान रखिएगा इसका जो सही उत्तर है वो है अट्ठारह नेक्स्ट प्रश्न आपके पास था निम्न में से किस विवाद का संबंध नाकाबंदी से है फ्रांसिस्का ल्यूनारा जमोरा और उपयुक्त सभी तो इसमें भी उपयुक्त सभी सही उत्तर था इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी नेक्स्ट प्रश्न आपके पास था वास्तविक नाकाबंदी की विशेषता है इसमें भी ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी सही उत्तर था और अगला प्रश्न आपका था निम्न में से नाकाबंदी का रूप नहीं है लंदन का घोषणा पत्र प्रभावशीलता नाकाबंदी कागजी नाकाबंदी और आगम तथा निर्गम नाकाबंदी तो जो ये तेतीसवा प्रश्न था इसमें ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है लंदन का घोषणा पत्र नहीं था बाकी सभी क्या है उसके रूप नाकाबंदी के रूप होते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपके पास था विनिश्चित का, का कानून परिवेष्टन का प्रयोजन पूरा करने लगा है यह कथन किसका है तो चार ऑप्शन आपके पास थे और इसमें भी ऑप्शन नंबर बी यानी कि स्मिथ सही उत्तर होना था नेक्स्ट प्रश्न आपके पास था ग्रे ग्रेसियस ने विनिषि वस्तुओं को कितने वर्गों में बांटा है तो उन्होंने तीन वर्गों में बांटा है इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर था नेक्स्ट प्रश्न आपके पास है निम्न में से कौन सा विवाद निरंतर समुद्री यात्रा से संबंधित है तो मैरिस पॉली बर्मुडा उपरोक्त सभी इसका जवाब आ, मुझे भी नहीं मिल पाया है इसलिए इसका जवाब आपको बताना संभव नहीं होगा नेक्स्ट प्रश्न आपके पास था लंदन घोषणा नाइनटीन नाइन में विनिषि पदार्थों को कितने वर्गों में बांटा गया है तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर डी यानी कि तीन भागों में नेक्स्ट प्रश्न आपके पास था माई लाई गांव किस देश में है तो ये माई लाई गांव वियतनाम का देश है इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर था नेक्स्ट प्रश्न आपके पास था निम्न में से किसका कथन है प्राचीन काल में भी ग्रीक मोवध्य हिंदी व चीनी अंतरराष्ट्रीय कानून विद्यमान थे तो बहुत अधिक संभावनाएं हैं कि इसका उत्तर हाल हो वैसे इस पे भी मुझे कंफ्यूज है और अंतिम प्रश्न आपके पास था युद्ध तथा बाध्यकारी साधनों में अंतर है और तीन इसमें दिए गए थे तो इसका उत्तर भी ऑप्शन नंबर डी होना था इस प्रकार आप देख रहे होंगे कि जो लगभग दस बारह क्वेश्चन उपयुक्त सभी वाले आए हैं उनमें ऑप्शन नंबर डी ही सही उत्तर था और जिसकी मैंने आपको संभावनाएं पहले भी बताई थी आशा है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा वीडियो से आपने अपने अपना मूल्यांकन पूर्ण कर लिया होगा कि कितने नंबर हमारे आने वाले हैं ऐसे ही वीडियोज़ के पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें आप लोगों ने मुझे सुना आप लोगों का तही दिल से धन्यवाद